Hi dear students, I am Mr. Rafi Ahmedawan from the platform of YouTube channel Sir Rafi Online. Today I am going to solve exercise 8.3 of mathematics class 9. Dear students, watch this video carefully and completely and I hope you will be able to understand well the concept of exercise 8.3. And dear students, if you like my this video, then subscribe my channel to watch further effective videos. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर वन जो है इसकी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करें तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और y की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो दैट इज माइनस एक्स. अगर यहाँ पर अब हम x की वैल्यूज कुछ पुट करने लगे हैं, फर्ज करें x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ माइनस टू, तो आपके सामने ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के बाद माइनस टू पुट करें तो ये आपके पास टू आ जाता है. तो आप जब x की वैल्यू माइनस टू होगी तो y की वैल्यू टू हो जाएगी. फिर उसके बाद दोबारा वैल्यू पुट करते हैं, जीरो पुट कर लें तो अगर माइनस के बाद आप जीरो पुट करते हैं तो जीरो आंसर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू जीरो तो y इज आल्सो इक्वल टू जीरो. उसके बाद x की वैल्यू कोई भी वैसे पुट की जा सकती है लेकिन मैं अब पुट करने लगा हूँ माइनस के बाद टू पुट करते हैं टू, तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा माइनस टू. तो यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी. इस तरीके से डी स्टूडेंट्स ये हमारे एक्स और वाई पॉइंट्स जो है ना वो आपके सामने आ गए. इनको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू टू और ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वो आ जाएंगे जी टू और माइनस टू, ये पॉइंट्स आ गए जिनकी मदद से हमने ग्राफ बना लिया. अब इसके बाद हम जो है दूसरी इक्वेशन पे चले जाते हैं. दूसरी इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स अगर आप उसके लिए आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ दूसरी के लिए हम बनाने के लिए दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं. पहले ये हमने इक्वेशन लिख दी टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको ले आए माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, ये एक्स और थ्री इस साइड पे ले आए. अब इस इक्वेशन को माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दें सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम कुछ वैल्यूज इसमें एक्स की पुट करते हैं. अगर एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज के हम माइनस टू पुट कर लें तो आपका वाई का आंसर जो है वो कुछ ये आ जाएगा, वो कुछ आपके सामने ये आ जाएगा टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री और आपके सामने माइनस फोर प्लस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन. तो आपका ये आंसर जो है माइनस वन आ जाएगा जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी माइनस वन. अब इसके बाद जीरो पुट कर लें टू इंटू ज़ीरो प्लस थ्री तो विच इज इक्वल टू थ्री. तो इट मीन्स कि जब आप ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं तो आपका थ्री आंसर आता है, वो मैं इधर पुट कर लेता हूँ. ज़ीरो पर आंसर आया वाई का थ्री, जब एक्स ज़ीरो पुट किया वाई का आंसर थ्री आ गया, तो ये आ गया.
अब इधर अगर हम जो है ना टू पुट कर लें तो टू इंटू टू प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सेवन ऑलमोस्ट आ जाएगा, यानी टू टू दर फोर प्लस थ्री सेवन, तो ये हमारा टू और सेवन जो है इस इक्वेशन का आ जाता है टू एंड सेवन। तो इसमें हमारे पास आ गया जी टू एंड सेवन, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट आ गए, और ये इसके आगे, और ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने लगा हूँ जो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। यहाँ पर मैं टिक करने लगा हूँ आपके सामने ग्रीन कलर से फर्स्ट पॉइंट दैट इज माइनस टू एंड टू, तो वो अगर ग्राफ पे आएगा तो माइनस टू तो हमारा ये आ गया और प्लस टू हमारा ये पॉइंट एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है जीरो जीरो, और तीसरा पॉइंट है टू माइनस टू, टू राइट पे वन और टू और माइनस टू आपका ये आ गया। तो ये ग्रीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम ग्रीन लाइन लगा लेते हैं। इसमें से ये हम जो लाइन लगाने लगे हैं आप देख लीजिएगा कि ये हमारी वो लाइन हो गई जो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन हमने लगा दी। अब हम डियर स्टूडेंट चलते हैं दूसरे टेबल के ऊपर कि जिसकी वैल्यू आपकी ये आ रही है, इसको मैं कलर येलो से या इसको ब्लू से कर लेते हैं। ब्लू से टिक किया, पहला पॉइंट है माइनस टू माइनस वन, तो यहाँ पे जब माइनस टू एंड माइनस वन आएगा तो ये हमारा ब्लू पॉइंट आ गया। दूसरा है जीरो थ्री, जीरो मतलब एक्स एक्सिस ना राइट जाना है या लेफ्ट, ना लेफ्ट जाना है लेकिन ऊपर की तरफ थ्री पॉइंट पे ये जीरो और थ्री पॉइंट आ गया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी टू और सेवन, इसमें आ जाता है तो टू और सेवन, थ्री और थ्री और ये सेवन। अब हम ब्लू ये पॉइंट्स जो हैं इनको ज्वाइन करते हैं विद ब्लू लाइन, और ब्लू लाइन से अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स को तो ये हमारे पास ये लाइन ब्लू कलर में लग गई। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। एज टू पॉइंट्स ये रेड पे, ये टू पॉइंट्स जो हैं ये आपके सामने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस जो है ना ये रेड डॉट से शो किया गया है, तो अगर इसके पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें तो ये लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू हो गई जी माइनस वन और वाई की वैल्यू हो गई प्लस वन, तो सॉल्यूशन सेट जो आ जाएगा दैट इज माइनस वन एक्स की वैल्यू और प्लस वन वाई की वैल्यू। तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। डी स्टूडेंट्स अब हम ये क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करने लगे हैं। इसमें जो इक्वेशन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर टू की, वो लिखी हुई है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो माइनस वाई इधर रहने देते हैं, तो एक्स को भी दूसरी साइड पे भिजवा देते हैं और वन को भी दूसरी साइड पे भेज देते हैं, तो ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। डियर स्टूडेंट्स अब एक्स की वैल्यूज आपने बारी बारी पुट करनी है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ बिलफर्ज माइनस टू, तो प्लस वन के बाद आप देखें कि आपका आंसर क्या आया। ये आ जाएगा जी आंसर आपका माइनस वन, यानी अगर माइनस टू पुट करें एक्स की वैल्यू तो आंसर माइनस वन आता है। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट एक्स माइनस टू और वाई माइनस वन लिखते हैं, एक्स माइनस टू और वाई माइनस वन, माइनस टू पे माइनस वन। फिर यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, जीरो प्लस वन तो ये आपका वन आंसर आ गया वाई का। तो जीरो और वन नेक्स्ट पेयर हमारा होगा जी जीरो एंड वन, तो ये हम जीरो और वन लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर हम टू पुट करते हैं वैल्यू में, ये टू प्लस वन
विच इज इक्वल टू थ्रू थ्री सॉरी। तो एक्स टू है और वाई थ्री है, तो टू और थ्री ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ये हम लिख लेते हैं टू एंड थ्री, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ये पहला पॉइंट जो है ना ये माइनस टू माइनस वन, दूसरा ज़ीरो वन और तीसरा टू थ्री आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस एक्स हो जाएगा। फिर पूरी इक्वेशन को पहले माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो टू वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स हो गया, और वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स ओवर टू हो गया। अब यहाँ पे हमारी अकलमंदी जो है वो इस तरीके से है कि अगर इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्स की वैल्यू पुट ऐसी करनी है कि आंसर फ्रैक्शन में ना आए, तो उसके लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा बेहतरीन जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन पुट की जाए, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट की जाए तो प्लस वन माइनस वन ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो आ गया। और अगर अब हम जो है ना माइनस वन के साथ ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, वन पुट कर लें वन, तो वन जब पुट करेंगे तो वन प्लस एक्स की वैल्यू वन टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये वन आ जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू हम टू पुट नहीं करते क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, हम थ्री पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू थ्री पुट करें अगर, तो आपके सामने इसमें देख लें कि वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू फोर बाई टू, और ये हमारे पास टू आ जाएगा। तो जब एक्स की वैल्यू हम थ्री पुट करते हैं तो वाई हमारे पास टू आ जाएगा, तो ये हम लिख लेते हैं थ्री पुट की वाई टू आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जो माइनस वन ज़ीरो वन वन और थ्री टू आ गया। अब हम ग्राफ जो है उसकी मदद से ये जो टेबल्स बने हैं इनमें से अगर हम इसको डिस्कस करें, तो पहला है माइनस ये पॉइंट माइनस टू माइनस वन, तो अगर माइनस टू और माइनस वन का ये निशान लगाएं तो ये इस वक्त ब्लू कलर में ये निशान लग गया माइनस टू माइनस वन। दूसरा है ज़ीरो वन, ज़ीरो और ऊपर इसके ये वन आ गया। फिर तीसरा पॉइंट है टू थ्री, तो राइट साइड पे हम टू और ऊपर ये थ्री कर लेते हैं। तो ये हमारे तीन पॉइंट्स हैं जिनसे हम ग्राफ की ब्लू लाइन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम ब्लू कलर से ही जो है ना इसको लाइन को लगा देते हैं। तो अगर यहाँ से ये लाइन लगाई है मैंने, तो ये तीनों पॉइंट्स को टच करती गुजरी, तो ये हमारी पहली लाइन लग गई। अब हम चलते हैं ज़रा सा दूसरी लाइन को ड्रा करने के लिए, तो उसके लिए पहले पॉइंट लोकेट करें। तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाता है जी माइनस वन और ज़ीरो, माइनस वन और ज़ीरो का पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा है जी वन वन, तो वो वन और ये वन, ये पॉइंट आ गया ब्लैक में। और तीसरा है थ्री टू, तो राइट साइड पे ये पॉइंट थ्री और ये वाला टू। अब हम इनको ज्वाइन करते हुए ब्लैक कलर की लाइन जो है वो लगाते हैं ग्राफ के हिसाब से, ब्लैक कलर में इसको लगा देते हैं। अगर हम ऐसी लाइन लगाएं जो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से गुजरे, तो डियर स्टूडेंट्स आप केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बेसिकली वो हमारा बन रहा है, मैं उसको थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ, वो हमारा ये पॉइंट ये बन रहा है। और इसके अगर हमें मतलब पॉइंट्स देखना है ये पॉइंट किस जगह पे लोकेट कर रहा है, तो एक्स से ये लेफ्ट पे वन पोजिशन पे है, तो एक्स माइनस वन और वाई ज़ीरो, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन और वाई ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट ना ही एक्स एक्सिस से ऊपर है ना ही नीचे है, तो वाई ज़ीरो होगा। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं कि जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन दो इक्वेशंस के टेबल्स बनाते हैं,
फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 0, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -2x। अगर -2x आ गई तो यहाँ पर हम इसका टेबल जनरेट करने के लिए ये इसका टेबल जनरेट कर लेते हैं। ये इसका टेबल जो है ना बना लेते हैं हम जो है, बल्कि एक टेबल जो नीचे है उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बनाना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास जी टेबल आ गया। फर्स्ट टेबल के अंदर आप फर्स्ट टेबल में फॉर एग्जांपल इधर एक्स, ये वाई और ये एक्स वाई फॉर्म के अंदर आप जो है ना पॉइंट्स अब करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं -2 पुट कर लेता हूँ। -2 पुट करने के बाद जब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी, ये -2 × -2 तो ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद इसी के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं जी 0। तो अगर वैल्यू 0 पुट करें तो आपके सामने -2 के साथ जब 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर ये 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 2 अगर पुट करें तो 2 पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो -2 × 2 which is equal to 4। सो वी हैव पॉइंट्स, पहला आ जाएगा -2 4, दूसरा आ जाएगा 0 0 और तीसरा आ जाएगा, 2 पुट किया था आंसर -4 आया, -4। तो 2 और -4 ये पॉइंट्स आ गए पहले वाले के। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है x + 2y इज इक्वल टू टू, 2y इज इक्वल टू टू लेट्स सपोज 2 - x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 2 - x/2। यहाँ पे हमने सोच के वैल्यू ऐसी ऐसी लिखनी है x की वैल्यू कि ताकि हमारा आंसर को फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो हम इसके लिए ज़रा बड़ा ध्यान इसका रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। एक्स 0 पुट करें तो आपके सामने यही सिचुएशन होगी, 2 - 0/2 which is equal to 1, पहली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2, इफ एक्स वैल्यू इज 2 देन 2 - 2/2 which is equal to 0, तो 2 पुट करने से आंसर आ गया 0। अब इसके बाद 4 पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन में, ये नीचे जो लगी हुई है, तो इसमें अगर 4 पुट करते हैं तो 2 - 4/2 तो ये आपका आ गया -2/2 which is equal to -1, तो ये -1 आ गया। अब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 1, दूसरा आ गया 2 0, तीसरा आ गया 4 - 1, तो ये हमारे पॉइंट्स तो बिल्कुल रेडी हो गए। अब यहाँ पे हम जो है ना जो ड्रा करते हैं ये एक्स एक्सिस, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ज़रा ब्राइट सा। तो इसमें इसका लेट्स सपोज के ऑरेंज कलर से मैं इसका ड्रा करता हूँ जी, ये आपके इस सामने एक्स एक्सिस ड्रा करने लगा हूँ। इसका पेन का फॉन्ट जो है ना वो भी थोड़ा बारीक कर लेते हैं ताकि आंसर अच्छा आ जाए। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऊपर से लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली हमारे पास होगी एग्जैक्टली वाई एक्सिस।
अब इसके अंदर जो टेक्निक करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें आंसर जरा फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक अगर ये करते हैं कि हम थ्री बॉक्सेस को वन लेट कर लेते हैं, थ्री बॉक्सेस को वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। सिमिलरली ऊपर भी ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, और इधर भी ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। सिमिलरली लोअर साइड पे भी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर, ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दी। अब हम करते हैं कि सबसे पहले ये रेड कलर इस्तेमाल करते हुए जो पॉइंट्स लगाते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया -2, 4। तो यहाँ से ये आपका -2 है, -2, और इसी सीध में ऊपर चलते हुए आप 4 की सीध में जाकर ये पॉइंट लगा दें, ये आ गया -2 एंड 4। फिर उसके बाद एक आ गया 0, 0, जो कि ऑरिजन होगा। ये ग्राफ के लिए जरूरी नहीं होता कि हर लाइन जो है ऑरिजन से गुजरे, लेकिन ये आ गया। और दूसरा है 2, -4, तो राइट साइड पे ये 1, 2, 3 और 4 है। तो जब हम 2 पे पहुंचते हैं तो फिर उसके 2 की सीध में बिल्कुल एग्जैक्ट -4 जो है उधर हमने निशान लगा दिया। ये अब हम इसके ऊपर पहली लाइन जो ड्रा करते हैं, ये ब्लू कलर से लाइन ड्रा करते हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को जो अभी हमने बनाए हैं, इनसे जो हम ड्रा करते हैं, ये थोड़ा सा ग्राफ को ये हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है। थोड़ा सा लाइन को मैं इस तरीके से ये लाता हूँ, ये इसके ऊपर ड्रा होगी। अब हम दूसरे पॉइंट के लिए चलते हैं, वहाँ पे हम कलर ले लेते हैं उसका, ये जो है ना, और इसमें पॉइंट्स जो लगाने हैं, पहला है 0, -0, 1, 0, और ये वाला 0 पर ये 1 हो गया, ये हमारा पॉइंट। दूसरा है 2, 0, तो यहाँ पे राइट पे 2 गिन के तो इधर ही हम पॉइंट लगा देते हैं, 2, 0, ये हो गया। और तीसरा है 4, -1, 4, और ये -1 हमारा ये पॉइंट हो गया। इसको हम कलर जो है ग्रीन कलर चूज करते हुए, तो जो लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। ये लाइन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट थोड़ा रखा है, मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊंगा थोड़ी देर में उठा के। तो मैं इस लाइन को उठाकर ये इन तीनों पॉइंट के ऊपर से मैं गुजार देता हूँ। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप गौर से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं येलो कलर से इंडिकेट करता हूँ, ये येलो कलर से, और इस पॉइंट को अगर देखा जाए
तो आप अगर इस पॉइंट को पढ़ते हैं, इसको मैं वाइट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर इस पॉइंट को हम वहाँ से ड्रॉप डाउन करते हैं ऐसे करके ये वाला, तो देखें कि इसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बनता है, ये पहला छोटा बॉक्स है ना, ये बेसिकली है -1/3। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना ये स्पॉट, ये क्या है, -2/3। आपने सबके नीचे 3 जरूर लिखना है क्योंकि 3 का गैप रखा है, बाकी आप गिनते जाए। नेक्स्ट वाला आपका 3/3 होगा, -3/3। खैर ये हमारा ये पॉइंट था कि जिसको हमने लोकेट करना था, एक हमने इसको ये डाउनवर्ड, यहाँ से एक ये था और दूसरा हमारा पॉइंट ए इधर अलॉन्ग वाई एक्सिस ये है। तो इन दोनों की मेजरमेंट का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो इसका आ चुका है -2/3, क्योंकि ये पॉइंट ये 0/3 था, ये -1/3 था और ये -2/3 था। अब अगर आप वाई को पढ़ना चाहें तो ये पहला पॉइंट जो है ना ये है +1/3, दूसरा है +2/3 और ये पॉइंट था 3/3 और ये पॉइंट है 4/3। ये पहला मैंने क्या बताया, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। तो यही हमारा बेसिकली अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस बनता है, तो वो बनता है जी 4/3। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स भी लगानी चाहिए और ये मिडल ब्रैकेट भी लगानी चाहिए। पहले एक्स वैल्यू दैट इज -2/3 और दूसरी वैल्यू है 4/3, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके, इस क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.3 का, इसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं एक्स प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। वाई को डियर स्टूडेंट्स आप इधर ही रखें और -1 भी दूसरी साइड पे जाके +1 और एक्स दूसरी साइड पर जाकर -x हो गया। तो हम अगर इसमें अब एक्स की वैल्यूज बारी बारी पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के आपके सामने के वेन एक्स इज इक्वल टू -2 पुट करें, तो एक्स अगर -2 पुट करें तो आ जाएगा 1 -2 विच इज इक्वल टू 3। फिर अगर एक्स हम 0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो वाई का आंसर आ जाएगा 1 -0 इज इक्वल टू 1। फिर एक्स इज इक्वल टू अगर 2 पुट करें, तो इफ एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करें इस इक्वेशन ऊपर वाली में, तो आपका वाई का आंसर आ जाएगा 1 -2 विच इज इक्वल टू -1। हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर लिखें कि जब हमने एक्स -2 पुट किया तो वाई का आंसर आपका 3 आ गया, जब एक्स 0 पुट किया तो वाई का आंसर हमारा 1 आ गया, और जब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो वाई का आंसर हमारा -1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। हम इसमें अब जब इसको कंप्लीट कर लिया हमने, तो इसमें हम इस टेबल को जो है इस साइड पे ये थोड़ी सी वैल्यूज जो है समझे कि इधर से ख़त्म कर देते हैं, ताकि नीचे दूसरी इक्वेशन के लिए थोड़ी सी प्लेस बच जाए। अब अगर दूसरी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो दूसरी इक्वेशन है एक्स -y +1 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, माइनस वन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्स की वैल्यूज डिफरेंट आप पुट करते जाएं और देखें कि आपके क्या आंसर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूँ माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू मैं जो ही माइनस टू पुट करूँगा तो माइनस टू के बाद प्लस वन हो के तो ये आंसर माइनस वन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस वन लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, यानी एक्स जब ज़ीरो रखा तो वाई की वैल्यू वन आ गई। फिर एक्स की जगह पर मैं प्लस टू पुट करता हूँ तो एक्स टू पुट करूँ तो फिर वाई का आंसर मेरा थ्री आ जाएगा, तो टू इंटू थ्री। तो इसके भी हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मैं ग्राफ पे जाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन के पॉइंट लगाता हूँ इसके, जिसमें माइनस टू और थ्री है। पहला पॉइंट है माइनस टू और ये वाला थ्री हो गया। दूसरा है ज़ीरो वन, ज़ीरो पे ये हो गया प्लस वन। तीसरा है टू माइनस वन, तो ये राइट पे टू और ये माइनस वन। तो इनको मिलाते हुए मैं ब्लैक कलर की लाइन जो है ग्राफ की वो लगाता हूँ आपके सामने। आप देखेंगे कि ये ब्लैक लाइन इन तीनों पॉइंट से गुजरते हुए ये जा रही है हमारे पास। उसके बाद हम वंस अगेन जो पॉइंट है नीचे वाले ग्राफ के वो लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है माइनस टू माइनस वन। तो माइनस टू माइनस वन तो बेसिकली ये पॉइंट आ गया, ज़ीरो और वन, ज़ीरो और ये वन। इत्तेफाक से यही वाला आंसर होगा क्योंकि ये पॉइंट कॉमन आ गया दोनों में, ज़ीरो वन। और तीसरा टू थ्री, टू और ये थ्री। अब मैं इनको ज्वाइन करते हुए कोशिश करता हूँ कि इसको ब्लैक कलर की लाइन जो है वो मैं लगाऊँ। तो ब्लैक कलर की लाइन लगाने के लिए मैं अगर इस तरीके से ग्राफ लाइन लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला ब्लैक कलर में, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके जो है ना इसको मतलब जो है ये लाइट ब्लू सा कर देता हूँ। ये पॉइंट आ गया हमारे पास और ये पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन सेट है। मैं इसको लिखने लगा हूँ कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो ना एक्स लेफ्ट पे और वाई की वैल्यू प्लस वन। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव। डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है जी टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी हो तो दैट इज माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आ गई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे फर्ज करें मैं अगर माइनस टू पुट कर लेता हूँ तो जाहिर सी बात है कि माइनस टू के साथ जब माइनस टू पुट करेंगे और प्लस वन करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर और वन फाइव आ गया, ये फाइव आ गया। फिर उसके बाद हम माइनस टू के बाद जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं जो है ज़ीरो पुट कर लें। तो ज़ीरो अगर पुट करते हैं तो ज़ीरो अगर हम पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में ये नीचे वाली को हम ख़त्म करके, तो अगर हम माइनस टू के आगे एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो आपका ये आपका क्लियर वन आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू होगी ज़ीरो और वन। और इसके बाद तीसरी वैल्यू इसी तरतीब से ही हम टू ही पुट कर लेते हैं, प्लस टू। वैसे तो कोई भी पुट की जा सकती है, कोई शर्त तो है नहीं है, लेकिन अगर टू पुट कर दी जाए तो क्या सिचुएशन होगी डियर स्टूडेंट्स,
ये वाला आ गया माइनस फोर प्लस वन, ये माइनस थ्री आ जाएगा, यानी जब वैल्यू टू पुट करें तो माइनस थ्री आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पॉइंट्स जो है ना एक्स वाई की फॉर्म के अंदर आप लिखना भी चाहें तो टू फाइव लिख सकते हैं, जीरो वन लिख सकते हैं, टू माइनस थ्री लिख सकते हैं, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेशन नंबर टू, दैट इक्वेशन विच इज रिटन एज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। माइनस वाई को आप उस साइड पे ले जाएं, प्लस वाई हो गया, और एक्स को इस साइड पे ले आए तो माइनस एक्स हो गया। तो इसमें तो वैल्यू पुट करना वैसे ही बड़ा आसान है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करूं तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर माइनस टू पुट करने से प्लस टू आंसर आ जाएगा। और अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूं तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूं तो जाहिर बात है कि वो वाई भी जीरो आ जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू मैं टू पुट करूं, मिसाल के तौर पे इसमें टू पुट करूं, तो वाई की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, टू और माइनस टू। इसके डियर स्टूडेंट्स पॉइंट्स लगाते हैं जरा जल्दी से कि इसमें पॉइंट लगाते हुए पहले सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखते हैं जी माइनस टू, ये ऊपर वाला जो है इसके पॉइंट का माइनस टू फाइव, ये हो गया जी माइनस टू, और ये माइनस टू और फाइव वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जीरो वन, जीरो के ऊपर ये हमारे पास वन आ गया। तीसरा पॉइंट टू माइनस थ्री, टू राइट पे और ये माइनस थ्री, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये तो डियर स्टूडेंट्स ब्लैक पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा ब्लू से मैं निचले वाले ये पॉइंट लगाता हूँ माइनस टू, टू जी माइनस टू और ये टू हमारे पास, ये पॉइंट हो गया। एक हमारे पास जीरो जीरो पॉइंट हो गया और एक है टू माइनस टू, टू और माइनस टू, ये पॉइंट हो गया। हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो लाइनें लगाते हैं, एक ब्लैक कलर से जो कि ब्लैक पॉइंट्स को जॉइन करती हुई लगेगी, ये देखें कि मैंने ये तीनों ब्लैक पॉइंट्स को टच करते हुए ये लाइन लगा दी। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, ये वाला ये आ गया। दूसरी लाइन चूंकि मैंने ब्लू पॉइंट्स लगाए हैं तो मैं ब्लू ही कलर इस्तेमाल करते हुए जो लाइन है दूसरी, वो ब्लू कलर्स या ब्लू पॉइंट्स को जॉइन करती हुई वो लाइन जो है वो लगाते हैं। तो वो हमारे पास बेसिकली ये बनती है, अगर यहाँ से शुरू करें तो ये तीनों ब्लू पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ये आपके सामने गुजर गई। अगर ये स्टूडेंट्स आप इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अगर देखना चाहें तो इसको मैं यहाँ पे ये कलर जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये वाला, तो अगर इस पॉइंट को मैं लोकेट करना चाहूँ तो ये पॉइंट जो है बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है और दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट भी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट देखना हो तो जस्ट सिंपल सी बात है कि ये इसका राइट वर्ड प्लस वन और ये नीचे वाई माइनस वन, तो वन माइनस वन ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अल्लाह हाफिज।